नमस्कार, चैनल देख रहे हैं आप, मैं हूं शिल्पा शर्मा। इस वक्त बीजेपी ऑफिस के बाहर खड़े हैं जहां पर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। बीजेपी ऑफिस, हम कह सकते हैं कि बीजेपी ऑफिस अब ऐसा केंद्र बन चुका है जहां पर लगातार धरना प्रदर्शन देखने को मिलता है। एक तरफ कश्मीरी पंडित इम्प्लॉइज रिजर्व कैटेगरी, दूसरी तरफ एनवाईसी। अगर एनवाईसी इम्प्लॉइज की बात करते हैं, आपको बताते चलिए कि एनवाईसी इम्प्लॉइज मांग कर रही है। इससे पहले भी हमने आपको तस्वीर दिखाई थी जहां पर ये कहा गया था कि अगर मांग पूरी नहीं करते हैं तो हम 6 तारीख से यानी कि 6 जनवरी से हम अपना धरना प्रदर्शन शुरू करेंगे। बातचीत करने के लिए हमारे साथ एम्प्लॉय मौजूद है, इन्हीं से बातचीत करेंगे। क्या कुछ मांग है इनकी, इन्हीं से बातचीत करते हैं। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे जिस तरीके से आप मांग कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं बीजेपी ऑफिस के बाहर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए मैम, सबसे पहले आई एम हाईली थैंकफुल टू यू कि आप यहाँ आई, और मैं अपनी तरफ से आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपकी वजह से हमारी बात आला हुकम तक पहुंचे, क्योंकि मीडिया जो है ये डेमोक्रेसी का 4th पिलर है। तो मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि जो एनवाईसी इम्प्लॉयज है, इनको 2010 में रिक्रूट किया गया था थ्रू प्रॉपर चैनल। बाजायदा एडवर्टाइजमेंट नोटिस निकली लीडिंग न्यूज़पेपर, अगर हम जम्मू की बात करें स्टेट टाइम्स और डेली एक्सेसर में इसका एडवर्टाइजमेंट निकले, और कश्मीर की बात अगर हम करेंगे वहां ग्रेटर कश्मीर, श्रीनगर टाइम्स और जितने भी वहां पे लीडिंग न्यूज पेपर है। तो हमने जब देखा तो हमने इस पे अप्लाई किया। एक एक पंचायत हल्के से कम 20-30 उम्मीदवारों ने उस समय अप्लाई किया। फिर एक कमेटी बनाई गई हेडेड बाय कंसर्न डिप्टी कमिश्नर, उसमें बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट अफसर से उन्होंने हमारे असनाद चेक किए, और साथ ही हमें शॉर्ट लिस्ट के बाद हमारा इंटरव्यू किया गया और प्रॉपर चैनल के थ्रू हमारी सिलेक्शन हुई। आफ्टर दैट हमें डिप्लॉय किया गया था डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में, फिर गवर्नमेंट ने हमारा आप मांग कर रहे हैं सैलरी बढ़ाने की, तो मंथ में आपको कितनी सैलरी मिलती है? देखिए मैं आपसे बताना चाहता हूँ, आज के जमाने में हमें इस 2022 में 2500 रुपया प्रति महीने दिया जाता है, वो सरासर ना इंसाफी हमारे साथ। मैं आपको बताना चाहता हूँ, 1947 में हमारा देश अंग्रेजों से आजाद हुआ, और 1948 में यहाँ पर एक कानून लाया गया जिसे कहा गया था कि मिनिमम वेजेस एक्ट। उस कानून के में ये लिखा गया था कि एक वर्कर को कम से कम उतनी वेतन दो, एक तो वो अपने लिए कुछ करे, अपने फैमिली के लिए कुछ करे, एक तो उनको अच्छी शिक्षा दे और दूसरा अच्छा हेल्थ सुविधा उनको मुहैया कर सकते। लेकिन मैं लास्ट ईयर हमने आपको बताया कि हमारे मुल्क ने लास्ट ईयर आजादी का अमृत महोत्सव 75 ईयर्स मनाया, और तब से आज तक मेरे ख्याल से 76 और 77 ईयर्स हो गए। 70 ईयर्स में भी हमें वो हक नहीं दिया जा रहा है जिसके हम हकदार हैं। और दूसरी बात मैं यही कहना चाहता हूँ कि देखिए हम 2500 में किस प्रकार से गुजारा करते हैं, क्योंकि आपने कहा कि 2500 मिलता है मंथ का, तो 2500 में किस प्रकार गुजारा करते हैं, क्योंकि महंगाई जो है वो आसमान छू रही है, तो किस प्रकार गुजारा? 2500 में हमारा गुजारा नहीं हो रहा है, और हमारी हालत अंदर कैसी है वो हम जाने, वो हमारा ऊपर वाला जाने हमारी हालत कैसी है। हमें तो किराए का उसमें जुगाड़ नहीं हो रहे, तो घर वालों को क्या देंगे? आज हम 12 सालों से डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, 12 सालों में हम अपना खून डिपार्टमेंट को दे रहे हैं, यहाँ के लोगों को दे रहे हैं, लेकिन बदले में क्या, हमें क्या मिलता है? आली 2.5 के, दैट इज रियली इनजस्टिस विद पीपल। मैं आपको कहना चाहता हूँ, हम इस मुल्क में रहते हैं जो वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री है, नॉट ऑनली डेमोक्रेटिक कंट्री बट ऑल्सो ए रिपब्लिक, नॉट ऑनली रिपब्लिक बट ऑल्सो ए सेक्युलर कंट्री, जहां पर हमें नेशनल इंटीग्रेशन मिलते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बुद्ध सब एक दूसरे। ये मैं फाकर के साथ कहना चाहता हूँ, हम इस मुल्क में रहते हैं जहां पर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब कुछ मिलजुल कर रहते हैं, और यहां पर भी मैं आपको नेशनल इंटीग्रेशन की एक मिसाल देना चाहता हूँ। मैं मुस्लिम, ये हमारी बहन है हिंदू, यहां पर आपको सिख, इससे बढ़िया यूथ आपको कौन सा चाहिए जो एक बैनर के तले रहे और इस मुल्क को आगे ले जाने में, इस रियासत को आगे ले जाने में अपना अहम रोल अदा करे। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ, इसी संविधान ने हमें आर्टिकल 30 दिया, आर्टिकल 30 का मतलब है कि वहां भी हमें ये मिलता है कि कानून की जमानत, जिसको हम कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज कहते हैं, क्योंकि आपको ये जमानत, और उसी में हमें आर्टिकल 23 और 24 में ये कहा गया है कि यू हैव राइट टू रेज योर वॉइस अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। देयर आर टू टाइप्स ऑफ राइट, वन इज कॉन्स्टिट्यूशनल राइट एंड सेकंड वन इज फंडामेंटल राइट्स। एज आई हैव टू राइट एंड रेज अवर वॉइस अगेंस्ट, आई हैव राइट टू एक्सप्रेस माय फीलिंग्स इन फ्रंट ऑफ यू, इन फ्रंट ऑफ मीडिया, इन फ्रंट ऑफ एनीबॉडी। उसी हिसाब से वहां 3 कैटेगरी होते हैं, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, मैंने बोला आपको ह्यूमन ट्रैफिकिंग और साथ ही चाइल्ड लेबर और फोर्सिंग लेबर। ह्यूमन ट्रैफिकिंग आपको छोड़ो, लेकिन चाइल्ड लेबर इसमें आता है, क्योंकि 2500 से हम क्या करें, हम इस वक्त अपने बच्चों को पढ़ रहे, कल हम मजबूर है, जब हमारे बेवतन ये नहीं बढ़े हम मजबूर है अपने बच्चों को स्कूल से उठा के किसी ढाबे पे लगाना, हम मजबूर है इनको ऐसा कोई काम करवाना जिससे एक तो उनका भी फ्यूचर तबाह हो जाता है और साथ में हमारा भी भविष्य खत्म हो जाता है। अब मैं आपके माध्यम से इस LG साहब को कहना चाहता हूँ, जिसको आपको बताया 5 अगस्त 2019 को आर्टिकल 370 टूटा, और 15 अगस्त 2019 को हमारे देश के
प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने लाल किले पे ऐलान किया था कि आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है, मैं दिल की दूरी और दिल्ली की दूरी दूर करूंगा। वो आपने भी वो क्लिप देखी, आपने भी वो क्लिप देखी। उसने कहा था कि मैं दिल की दूरी और दिल्ली की दूरी दूर करूंगा, लाल किले पे उसने ऐलान किया था। तो मैं उससे कहना चाहता हूँ, अब वो वक्त आ गया है। ये जो यूथ आप इस वक्त सड़कों पे देख रहे हो, पिछले 12 सालों से अपने इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं, अब वक्त आ गया, आप ये मसले क्लियर कर दो, दिल की दूरी और दिल्ली की दूरी खुद ब खुद दूर हो जाएगी, वरना कहने से नहीं होगा। और यहाँ के एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से भी कहना चाहता हूँ कि अभी हम पीसफुल तरीके से यहाँ पे, और हम अमन के पुजारी हैं, हम अमन को पूजते हैं और अमन को हम तरजीह देते हैं, पीस को हम तरजीह देते हैं। कहीं ऐसा ना हो, कहीं ऐसा ना हो कि कल हम यहाँ से उठ के रोड ये करें वो करें उधर। तो लेकिन इतना मैं कहता हूँ, वी आर हाईली क्वालिफाइड, हम जानते हैं कि अमन क्या है, क्योंकि सबसे पहली प्रायोरिटी हमें यहाँ पे अमन को देनी है। अब हम आपसे रिक्वेस्ट, आपके चैनल के माध्यम से रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि अगर आप लोग रैली यहाँ का यूथ चाहते हो कि ये कहीं ड्रग्स की तरफ ना जाए, कहीं रास्ते से भटक न जाए, तो इसको ट्रैक पे लाने के लिए ये सबसे क्या लगता है कि आप जम्मू कश्मीर की क्या कुछ तस्वीर निकल के सामने आ रही, क्योंकि हर बार जो है उधर ना प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, जहाँ पर यूथ की बात करें, एम्प्लॉयज की बात करें, सड़कों पर उतरे हैं मांगों को लेकर, क्या लगता है आपकी जम्मू कश्मीर की तस्वीर जो है वो किस प्रकार की बन चुकी है? वो आप लोगों के सामने, जम्मू कश्मीर की तस्वीर आप लोगों के सामने, आप यहाँ इर्द गिर्द देखिए यहाँ क्या हो रहा है, आपको तो पता है, वो मुझे कहने की जरूरत नहीं है। यहाँ का जो यूथ है ना, वो इस वक्त अनसिक्योर फील कर रहा है, सिक्योर फील नहीं कर रहा है, वो अनसिक्योर फील कर रहा है, क्योंकि जब हम कुछ कमाएंगे तभी हम अपनी फैमिली को खिला सकते हैं। यूथ इज द बिल्डर ऑफ नेशन, लेकिन जब आप इसी यूथ के पांव काटेंगे तो यूथ कैसे खड़ा हो पाएगा? अभी आप लोगों के पास मौका है इस यूथ को आगे ले जाने में, अपना ये यूथ तभी इस मुल्क को आगे ले जाने में अपना अहम रोल अदा कर सकता है जब इसके पीछे सिक्योरिटी हो। सिक्योरिटी में सबसे बड़ी सिक्योरिटी जॉब सिक्योरिटी होती है, इस यूथ को जॉब सिक्योरिटी होनी चाहिए, फिर आप देखिए ये यूथ इस रियासत जम्मू कश्मीर का नाम और इस रियासत जम्मू कश्मीर के साथ साथ इस मुल्क का नाम आगे ले जाने में अपना अहम रोल किस तरह अदा कर सकता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। वहीं पर साफ तौर पर जिस तरीके से इन्होंने कहा है कि आपको बताते चले कि 12 साल हो चुके हैं उन्हें काम करते हुए, और ये मांग कर रहे हैं रेगुलराइजेशन की, परमानेंट की, और साथ ही साथ सैलरी इंक्रीज करने की। मैं आपको बताते चलूं कि जिस तरीके से इन्होंने कहा है कि मंथ में इन्हें 2500 मिलता है, किस प्रकार से आखिरकार ये गुजारा करते होंगे, क्योंकि महंगाई जो है वो आसमान छू रही है और वहीं पर 2500 इन्हें मिलता है। और साफ तौर पर अब देख रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में किस प्रकार से धरना प्रदर्शन किए जा रहे हैं, यूथ मांग लेकर सड़कों पर उतर रहे हैं। और ये तस्वीर आप देख रहे हैं मेरे पीछे, बीजेपी ऑफिस की ये तस्वीर है, जहां पर अब ये केंद्र बन चुका है धरना प्रदर्शन का, ये केंद्र बन चुका है जहां पर अब आवाज भी सुन रहे होंगे, जहां पर एक अलग तरफ जहां पर कश्मीरी पंडित धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, जहां पर अलग तरफ रहे खेल टीचर्स एम्प्लॉय धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, ये केंद्र बन चुका है अब बीजेपी ऑफिस। हम इसे कह सकते हैं कि अब एक ऐसा केंद्र बन चुका है कि जहां पर आपको अब धरना प्रदर्शन यहां पर आपको देखने को जरूर मिलेगा। फिलहाल इनकी बात करें एनवाईसी एम्प्लॉयज की, 2500 मिलता है इनको मंथ का। कमेंट करके आप जरूर बताइएगा कि किस प्रकार से आखिरकार ये गुजारा करते होंगे। फिलहाल इनकी मांग यही है कि रेगुलराइजेशन दी जाए और साथ ही साथ सैलरी को इंक्रीज किया जाए। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। कैमरा पर्सन दीपक के साथ शिल्पा शर्मा।